करूंगा हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री मुरली मनोहर जोशी जी से क्या पाए और हमारा मार्गदर्शन करें। मेरा काम इतना ही है कि मैं जो दोनों प्रकार के संकट आपके सामने रखे गए हैं उन संकटों को आप अच्छी तरह समझें और उनके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाधान खोजने में सब लोग मिलकर प्रयास करें। हम पहले इस बात को समझ लें कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी नाम का तत्व हमारे समाज में हमारी दिनचर्या में प्रवेश पा चुका है। आप कितनी भी कोशिश करें वो टेक्नोलॉजी आपके जीवन से फिलहाल मुझे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती और इसलिए मैं केवल एक संकट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भविष्य का समाज बनाएगी और बड़ी तेजी से हमें उधर जाना चाहिए। इसकी दौड़ दुनिया भर में हो रही है। हम कितना पीछे हैं कितना आगे हैं वो मैं इस समय आपके सामने नहीं कहूँगा लेकिन एक खतरे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। हम जो कुछ फैसले करते हैं निर्णय करते हैं वो जानकारियों के आधार पर करते हैं, चाहे शिक्षा से जानकारी मिली हो, अखबार से मिली हो, अन्य माध्यमों से मिली हो, सोशल मीडिया से आजकल ज्यादा मिल रही है, विकिपीडिया और इंटरनेट गूगल ये सब हमारी जानकारी के स्रोत हैं। बहुत से अनुसंधान रिसर्चेस जिन्हें कहा जाता है वो उसकी जानकारी का स्रोत गलत या सही वो वही है जो विकिपीडिया से मिलता है, इंटरनेट से मिलता है और कई बार वो स्वयं में वो जानकारी गलत होती है, वो एक गलत प्रश्न है। इसी तरह से आज हम जिन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं उनके बारे में जानकारियां एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलती है जिसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके विभिन्न आयाम हैं, उसके विभिन्न डायमेंशंस हैं और इस टेक्नोलॉजी पर किसका कब्जा है सारा उसके विषय में विस्तार से उन्होंने बताया राजीव मल्होत्रा जी ने, उस पर किसका कब्जा है। उसका जो मूल स्रोत है उस पर किसका कब्जा है। भारत का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके हर काम में आपको जो मूल उसका उसकी जान है उसकी सोल है वो बाहर है। फेसबुक उस पर आपका कंट्रोल है, इंटरनेट उस पर आपका कंट्रोल है, व्हाट्सएप उस पर आपका कंट्रोल है, टेलीग्राम उस पर आपका कंट्रोल है, सिग्नल उस पर आपका कंट्रोल है। अलीबाबा आपका कंट्रोल है, हुआई पर आपका कंट्रोल है, किसका कंट्रोल है। अमेरिकन कंट्रोल होगा, किसी यूरोपियन का कंट्रोल होगा, चाइनीज का कंट्रोल होगा, रशियन का कंट्रोल होगा,
आपका नहीं है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आज की दुनिया में जो जानकारियां आएंगी वो उन लोगों से, उन समाजों से, उन संगठनों से आएंगी जिनके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके प्लेटफॉर्म्स पर कब्जा है। पहले अखबारों के बारे में कहा जाता था ना कि ये जूट प्रेस है। मुझे पता नहीं आप में से कभी किसी ने ये शब्द सुने या नहीं सुने, हमारे बचपने में यही कहा जाता था कि ये जूट प्रेस है। उसका मतलब ये था कि जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, वो जूट मिलों के मालिक होते थे और वही अखबार चलाते थे। बिरला जी का अखबार चलता था, बिरला जी की जूट मिल चलती थी। तो जूट प्रेस है माने आम आदमी का प्रेस नहीं है, व्यापारी का प्रेस है। धीरे धीरे ये बात हटके अब आ गई है टेलीविजन पर, उसको बता रहे तो सारे टेलीविजन किसी न किसी की कंपनी में है और इन टेलीविजनों की जो टेक्नोलॉजी है वो उसके ऊपर कब्जे में है। टेक्नोलॉजी बड़ी ये खर्चीली चीज है, इसको अगर आप डेवलप करना चाहें, कंप्लीट करना चाहें तो मुश्किल होगा। बहुत साल पहले हमारी एक प्रयोगशाला विज्ञान की बहुत आगे काम कर रही थी, चिप्स बनाने के नजदीक पहुंच गई थी चंडीगढ़ में, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के डर उसमें आग लग गई थी। मैंने कहा था आग लगी नहीं है, लगा दी गई है, क्योंकि वो रिसर्च अगर हम कर लें और कर लेते आज से 35 साल पहले तो हम कहीं आगे हो सकते थे, वो खत्म कर उसको रिवाइव करने में जो हमने कोशिश की वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन ऐसा लगता था कि सरकार में बैठे हुए लोग ही उसको रिवाइव नहीं करना चाहते, ये एक अजीब बात। 250 करोड़ 300 करोड़ रुपए की लैब के चल जाने को रिवाइव करने के लिए 75 करोड़ रुपए सरकार दे, मतलब क्या है इसका? यानी आप स्वयं भी ये नहीं समझ रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, या आपको ये समझा दिया गया था कि ये करने की आपको जरूरत नहीं है तो हम कर रहे हैं। आज तक नहीं कर पाए। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है टेक्नो मार्केट कैपिटल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि टेक्नोलॉजी मार्केट से जुड़े हुए हैं, उससे सामान बेचने के लिए वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है और ज्ञान भी अब एक कमोडिटी है, वो ज्ञान नहीं है, समाचार भी एक कमोडिटी है, वो समाचार नहीं है, और उसको बेचने की कला वो पैकेजिंग की कला है, मार्केटिंग की कला है। अखबार को, खबर को अगर आप टेलीविजन को गौर से देखते हो तो आप देखेंगे कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स आते हैं उनको एक खास तौर की भाषा सिखाई जा रही है, उसी ढंग से बोल रहे हैं और उस खबर में से क्या निकालना है या आपको निकालने की जरूरत नहीं है, खुद इस तरह से पेश कर देंगे कि आप कुछ निकाल लेंगे जिसको वो निकालना चाहे। आप बहस देख लीजिए रोज टेलीविजन, उसमें से जो निकलना है वो ही निकलेगा। आप कुछ निकालें, आप कुछ क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम तो निकाल के देंगे। जैसे रेडी टू ईट फूड आता है ना आजकल, ऐसे ही ready to know and ready to learn, वो सब कुछ वहां हो रहा है। ऐसे में जो भी ज्ञान मिलेगा आपको, जो भी आपके दिमाग की पोजिशनिंग होगी, कंडीशनिंग होगी, वो आपके या आपके देश के हाथ में शायद नहीं रहेगी।
बहुत कुछ तो अभी भी नहीं है और हो सकता है आगे बिल्कुल ही न हो। आपने सुना होगा कि ट्रंप के इलेक्शन में रूस के ऊपर आरोप लगाए गए कि तुमने हमारे इलेक्शन को प्रभावित कर दिया। ये क्या बात है, अमेरिका के जनमानस को आपने प्रभावित कर दिया कि वो ट्रंप को जिताए। तो किसी भी देश में फिर और कोई जिसको आप जिताना चाहते हैं उसको जिता सकेंगे? तो ये ईवी ईवी तो बात की भरी रह जाएगी, लेकिन पता नहीं आप किस रॉ में किसको कहां से जिता देंगे, तो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका ये जो शरीर का यंत्र है इसको एक विज्ञान की एक विधि बताई जाती है जिसको कहते हैं प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स। वो आपके मस्तिष्क में इस प्रकार से प्रवेश करा दिए जाते हैं कि वो आपकी बाकी जो स्वतंत्र सोचने के तंत्र हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो उसमें बताया जा रहा है उसका आप सेवन कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार्केट को भी कंट्रोल करता है, आपके विचार को भी कंट्रोल करता है। 1992 या 93 से मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये खतरे आ रहे हैं, और उसी समय मिस्टर एक्विला, शायद जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, एक अमेरिकन लेखक चिंतक, उन्होंने वहाँ एक फॉरेन अफेयर्स पर एक मैगजीन निकलती है उसमें एक लेख लिखा और उसने कहा था कि हम अमेरिकन्स दुनिया को कंट्रोल करेंगे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और पैसा है। उसने कहा चूंकि ये दोनों चीज हमारे पास है इसलिए इस टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भाषा अंग्रेजी होगी, म्यूजिक अमेरिकन होगा, वैल्यूज अमेरिकन। 1992 की फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में बड़ा विस्तृत लेख है, वो मैंने यहाँ पार्लियामेंट में भी पढ़ के सुनाया था कि देखो भैया ये अमेरिका का मंतव्य है। इसलिए आप जो बड़ा भारी खतरा है वो ये है, अस्तित्व का संकट है, इट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सभ्यता के अस्तित्व का संकट है, आपको आपके एक स्वतंत्र समाज के रूप में खड़े रहने के अस्तित्व का संकट है। ये फैसले लेने होंगे कि क्या आप किसी पूंजीवादी टेक्नोक्रेट साम्राज्य के पिछलग्गू बन के रहेंगे। बहुत धन है लोगों के पास, आप अभी तो आप 5 ट्रिलियन और 12 ट्रिलियन और 15 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वहां 400 ट्रिलियन है। और यहां अभी जितना ट्रिलियन है उसी में इतनी इनइक्वालिटी और इतने दंड बन गए कि आप कैसे संभलेंगे वो एक अलग सवाल है। क्योंकि अगर आपने वो मान लिया तो इतनी इनइक्वालिटी आएगी, इतनी हिंसा होगी जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपको सारी दुनिया को समझा दिया गया है कि जीडीपी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। GDP बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, व्हाट इज GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने पूछा इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि ये तो एक इंडिकेटर है पर मतलब क्या है,
कहां से इंडिकेटर की क्या, किसको कहेंगे इंडिकेटर बन रहा है? बोले ये तो ठीक है साहब, लेकिन ये मनी इक्विवेलेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है। सर्विसेज से तो कोई दृश्यमान चीज पैदा नहीं होती सिवाय टैक्स। जो कुछ पैदा होता है देखने का, पकड़ने का, पहनने का, खाने का, वो तो प्रोडक्शन से पैदा होता। प्रोडक्शन का ऐसे पैदा होता हवा से, प्राकृतिक संसाधनों से। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा प्राकृतिक संसाधन उसी रफ्तार से घटेंगे। अगर आप सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लाइम स्टोन का प्रोडक्शन घट जाएगा, जो उसका भंडार है वो घट जाएगा। सीमेंट बनाने में कुछ समय लगता है, लाइम स्टोन बनने में लाखों समय। तो ये जीडीपी एक तरफ आपको कहती है कि आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपका एनवायरनमेंट घट रहा है, रिसोर्सेस घट रहे हैं, कोयला घट रहा है, लोहा घट रहा है, ओर घट रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है। अब फैसले करने हैं आपको कि किधर जाना है। पानी घट रहा है हिंदुस्तान में, तो पानी का अकाल पड़ा ही हुआ है। पानी आप टैंकरों से दे रहे हैं। अच्छा, पानी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्रूड तो इंपोर्ट कर सकते हैं, पानी नहीं कर सकते इंपोर्ट, बड़ा मुश्किल है। क्रूड हल्का होता है, पानी भारी होता है, पंप भी करना मुश्किल है, कहाँ से लाएंगे? और जिसके हाथ में पानी है, जिससे आप पीएंगे, आपकी जान उसी के हाथ में है, तो कहाँ जा रहे हैं आप? सारी दुनिया कहाँ जा रही है ना, सिवाय उन देशों को जिनके पास पैसा है और जनसंख्या छोटी है। बाकी दुनिया कहाँ जा रही है, किसके इशारे पर चल रही है, क्यों जा रही है, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण आज बन गए। इसका समाधान कहाँ है? वो समाधान जिस दिन आप इस सिविलाइजेशनल क्राइसिस को समझ लेंगे और इसका मर्म समझ के फॉलो करेंगे उस सिविलाइजेशन के मूल्यों को, उसकी जीवन पद्धति को, उसके दृष्टिकोण को, और ये जो टेक्नोलॉजिकल आज सारी डेवलपमेंट है, इसके पीछे जो शुरुआत हुई वो उस जिसका उल्लेख मल्होत्रा जी ने किया था, वो जो एक सेमेटिक दृष्टिकोण है कि दुनिया भोग के लिए बनी है। जब हजरत आदम जमीन पे लाए गए तो ये कह के भेजे गए, तेरे उपभोग के लिए भेजे जा रहे हैं, गो कि तेरे लिए बना दिया, वहां रहे तू यहां नहीं रह सकता, स्वर्ग में तू वहां जा, बट दिस इज फॉर यू, फॉर यू। जिसको जूडो क्रिश्चियन फिलोसफी कहते हैं आज, उसने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद डाली, देयरफॉर इट इज एन एक्सप्लॉयटेटिव फिलोसफी। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, जिंदगी भर साइंस पढ़ाई है, और पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने बनाई थी। मैं यहाँ का टास्क फोर्स का अध्यक्ष था, मैं खतरे जानता हूं कहां तक रहना चाहिए, उसको वो सीमाएं निर्धारित की है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप ये देखें कि वैल्यू सिस्टम्स का नतीजा कहां तक जा रहा है। आप ये अंग्रेजी में नहीं बोल रहे, मैंने नहीं पढ़ाया अंग्रेजी में, मैं फिजिक्स हिंदी में पढ़ाता था पोस्ट ग्रेजुएट, और मेरे साथ इंग्लैंड से लोग रिसर्च करने आते थे।
मैं पार्लियामेंट में हिंदी में बोलता था, यूएनओ में हिंदी में जाता, यूनेस्को में हिंदी में बोलता था, दुनिया के साइंस कांग्रेसेस में मैं हिंदी में बोलता था। क्या दिक्कत है? मगर हम आज समझते हैं कि अगर अंग्रेजी में वार्तालाप होगा तो वो ज्यादा गरिमामय होगा, हिंदी में करेंगे तो समझा जाएगा ये बैकवर्ड आदमी अभी हिंदी बोल रहा है, वो भी कोई बोल नहीं रहा। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, वो इसलिए कि वो ये कहते थे कि अंग्रेजी से ज्यादा बेहूदी भाषा कोई नहीं है, इसका सुधार करिए या इसका इसको बदलिए। बर्नार्ड शॉ ट्रस्ट बनाया, ये करो बदलो। कनाडा ने अलग किस्म की एक स्क्रिप्ट अंग्रेजी की निकाल दी। क्या लेकिन हम, और कभी कभी मैं देखता हूँ वो टेलीविजन में जब अंग्रेजी वाले उसको खोल लीजिए चैनल को, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने कहा भाई इंसान का चेहरा रखते हुए ये बंदरों की तरह चेहरा क्यों बना रहा है अपना माफ कर, जो वो करेंगे कि यानी बिल्कुल पलट के बोल। अरे भाई अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो अपने हिसाब से बोलो, सर सी वी रमन को बुलाया गया था जब नोबेल प्राइज मिला उन्हें, एफआरएस थे पहले से, तो रॉयल सोसाइटी ने उनका स्वागत किया। स्वागत के जवाब में प्रोफेसर रमन ने बोलना शुरू किया, मिस्टर प्रेसिडेंट सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थैंकफुली एक्नॉलेज, तो लोग बिना खड़े हुए कि क्या बात कर रहे हैं आप, बोले इट्स नॉट एक्नॉलेज इट इज एक्नॉलेज। रमन साहब ने उसके बाद फिर थोड़ा दोबारा जोर से बोल दिया एक्नॉलेज। चेयरमैन ने कहा प्रोफेसर रमन व्हाट इज दिस, रमन ने कहा कि आई थॉट आई शुड फर्स्ट टॉक अबाउट माय रिसर्च वर्क एंड द इफेक्ट फॉर व्हिच आई एम बीइंग आस्क्ड टू एड्रेस हियर, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक ऑन फोनेटिक्स। और रॉयल सोसाइटी में लिखा हुआ है कि प्रोफेसर रमन ने जो फोनेटिक्स पर भाषण दिया उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल बिकॉज ही एक्सप्लेन टू अस ऑल द न्यूएंसेस द डिफरेंसेस बिटवीन फोनेम्स एंड ग्राफेम्स। क्योंकि रमन को अपने देश पर, अपनी भाषा पर, अपने उच्चारण पर एक अभिमान था, सेल्फ रेस्पेक्ट। और जब आप सेल्फ रेस्पेक्ट खो देते हैं तब आप न केवल रेस्पेक्ट खोते हैं बल्कि सेल्फ को भी खो देते हैं। क्यों? तो जो बेसिक क्राइसिस है ना हमारे सिविलाइजेशन का, उसमें एक बात ये है कि हमने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, मैं भी एक मनुष्य हूँ, भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, इस देश का निवासी हूँ, हजारों साल पुरानी मेरी सभ्यता संस्कृति है, मैंने दुनिया को ये दिया है, गायब हो गया। तो बेसिक बात यह, बुनियादी बात यह है कि हमें इस बारे में गहराई से सोचना है
इसमें बुद्धिजीवियों का, सामान्य जनता का, जब चम्मच से खाने तो भी ठीक है, लेकिन नहीं, वो रखेगा इस तरह से। अब हम दाहिने हाथ से खाते हैं मगर बाएं हाथ पर रोटी रखी जाए, ये कौन सी संस्कृति है, या आहार शास्त्र का कौन सा ज्ञान है, मेरे समझ में नहीं आता। मेरे यहाँ एक बार उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे आर के नेहरू, तो भोजन करने आगे मैं तब यूनिवर्सिटी में था, तो रोटी सब्जी दाल चावल, अब उनको आदत थी छुरी कांटे से खाने, तो मुझे देख के उनकी कठिनाई पर हंसी आ गई थी कि वो छुरी से रोटी को काट रहे थे, फिर कांटे और छुरी की मदद से उसे गोल कर रहे थे, फिर उसे दाल में डुबो रहे थे और फिर खा रहे थे। मैंने कहा ऐसे नहीं खाया जाता, जवाहरलाल भी हाथ से खाता है, ये क्या कह रहा है। आप समझिए आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुंच गए हो। मॉम एंड डैड, ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल अनसूट है। महिला को माता जी, बहन जी, ये तो कहना बंद कर दिया, मैम खत्म। हमारी दृष्टि गायब हो गई इसमें। आप बंगाल में जाइए दीदी, आप तमिलनाडु में जाइए अम्मा, बुझे है ना, हमने क्या कर दिया है। और तमाशा ये है कि अगर आप किसी संभ्रांत महिला को दीदी जी या माता जी बोल दें तो वो भी अच्छा नहीं मानती। तो ये क्या बकवास कर रहा है। तो ये जो जहां हम पहुंच गए हैं, ये जबरदस्त खतरे हैं। आप बदल रहे हैं, गलत दिशा में बदल रहे हैं, तेजी से गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, और इसके सारे पीछे ये टेक्नोलॉजी का खेल है, पैसे और टेक्नोलॉजी का खेल है। और ये टेक्नोलॉजी जिस बुनियादी दर्शन शास्त्र से पैदा हुई है, वो दर्शन शास्त्र हमारे देश की संस्कृति, दर्शन, परंपरा, अनुभव सबसे अलग है, विरोधी है। वो दुनिया को तोड़ के समझते हैं, हम दुनिया को समग्रता में समझते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा ने बहुत लिखा है, बहुत किताबें लिखी है, पढ़िए, कुछ हिंदी में भी है उसका अनुवाद, पढ़िए, तो आपको पता लगेगा कि खतरे कितने बड़े हैं और क्राइसिस घर से लेके संसार तक सब जगह मौजूद है। और उसमें एक बात बता दूं, जो आज ये समझ रहे हैं वो हमसे लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं, वो भी इसी के शिकार हो गए। आधी सेमेटिक दुनिया भी इसी से परेशान है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्रीज इससे परेशान हो, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन कंट्रीज इससे परेशान हो। इनइक्वालिटी वहां भी है, हिंसा वहां भी है, डोमिनेशन बाय वन ओवर द अदर वहां भी है, कल्चरल डिग्रेडेशन वहां भी है। इसमें सारी दुनिया को हमें रास्ता दिखाना है। ये जो क्राइसिस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन है, दरअसल मैं इसको कहता हूं क्राइसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिविलाइज्ड ह्यूमन वर्ल्ड सोसाइटी। एक संपूर्ण मानव समाज के लिए हिंदुस्तान में है, इसलिए उन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन लिखा, पर वास्तव में द क्राइसिस फॉर द प्योर ह्यूमन सिविलाइजेशन। और उसका हमें निवारण करना है, उसका जवाब हमारे देश के पास है। उस पर
काम होना चाहिए, बहस होनी चाहिए और आगे बढ़िए हिम्मत के साथ। यूनानो मिस्र रोमा सब मिल गए कहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा बाकी, मगर है अब तक नामो निशान सब मिल गए। अपने साथ करके रहेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से हमारे नौजवान मित्रों ने अच्छे सवाल किए और गहराई से पढ़िए, अगर विद्यालय में नहीं है तो पुस्तकालय में जाके पढ़िए, भारत के ग्रंथों को हमें भी विद्यालय में नहीं पढ़ाए गए। लेकिन जब भौतिक शास्त्र पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, तब समझ में आया कि हमारे पास बेहतर विज्ञान है दर्शन के पास। बोलना चाहिए, बोले बताएं पढ़ें, मगर ये नहीं कि हर उल्टी सीधी चीज को वो हमारे देश में विज्ञान में थी ये मत करिए। गणेश जी दूध पी रहे हैं, मालूम है ना आपको घटनाएं हुई थी, वो सब प्रकृति के नियम है भाई, वो कोई पश्चिम की बात नहीं, वो हमारे यहाँ की। आप बच्चों को कई बार दूध पिलाते हैं, पहले तो जिसके घर में ये दूध नहीं होती थी कि वो रूई की बत्ती से बच्चों को, छोटे बच्चे को पिलाता था, लगाते हैं कैपिलरी रिएक्शन से जाना, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना है उसको ये मत समझिए कि बस ये चमत्कार हो गया या क्या, और उसको मत जोड़िए अपनी सब भारतीयता से या कि अपने यहाँ की उससे, वो गलत हो। हमारी वैज्ञानिकता है, जबरदस्त विज्ञान है हमारे पास। दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ खड़ा है, वो आज भी 1500-1600 साल कम से कम और 2200-2200 साल ज़्यादा से ज़्यादा बिना जंग लगाए खड़ा है दुनिया में, और कोई आज तक ऐसा विज्ञान की बात करिए ना, तो है बहुत कुछ है हमारे, सब कुछ है, बताइए तो। लेकिन जरा ताल ठोक के सीना निकाल के कि क्राइसिस है, हम क्राइसिस को समझ रहे हैं, और हमारे यहाँ समझाने वाले डॉक्टर मल्होत्रा जैसे लोग मौजूद हैं, तो आगे चलिए, आगे बढ़िए। और ऐसी कई क्राइसिस हम निपट चुके हैं पहले, इसे भी निपट लेंगे, मगर ये जान के चलिए कि जो कुछ आज बतौर ज्ञान और समाचार और सूचनाओं के फैलाया जा रहा है वो ज्यादातर आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंट नहीं है।